अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू है औलाद नरीना। बाज़ घरों में बेटियां ही बेटियां होती हैं, बेटा नहीं होता। अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे, लेकिन ये जड़ी बूटियां भी अल्लाह ही ने तो बनाई हैं। इन दवाओं में भी शिफा अल्लाह ने रखी है। तो मैंने ये नुस्खा कई घरों को दिया जिनकी बेटियां ही बेटी थीं, अल्लाह उन्होंने औलाद नरीना दी और औलाद बेटे के लिए तरसे हुए घरों में अल्लाह ने बेटे अता फरमाए। आप हजरात भी जिनको ज़रूरत हो वो इस्तेमाल करें, या अपने अज़ीज़ और रिश्तेदारों में कहीं निगाह मारें, दोस्तों में जिसे ज़रूरत हो उसे ये नुस्खा दें। ये नुस्खे मैं सिर्फ़ रज़ाए अलाही के लिए दे रहा हूँ, आवाम के भलाई के लिए दे रहा हूँ, वरना ऐसी चीज़ें डॉक्टरों के पास जाएँ तो लाखों लग जाते हैं, हकीमों के पास जाएँ तो नुस्खा देने की बजाय खाल भी उधेड़ लेते हैं। आप आजमाएं, इंशाअल्लाह हमारे नुस्खे मुफीद से मुफीद तर पाएंगे। ये नुस्खा सिर्फ़ मर्द हजरात इस्तेमाल करेंगे, क्यों? औरत में तो कोई कमी नहीं है, वो तो पहले बेटियां पैदा कर रही है। आपने कई लोगों से सुना होगा, अगर मर्द की मन्नी ताकतवर होगी तो बेटा होगा, अगर औरत की मन्नी ताकतवर होगी तो बेटी होगी। अगर बेटियां हो रही तो औरत की मन्नी तो ताकतवर है, अब हमने मर्द को ताकतवर बनाना है। तो मर्द के लिए अर्ज है कि ये नुस्खा लें और गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा मैंने कहीं और भी दिया है, लेकिन वो और मर्द के लिए है। ये ख़ास तौर पर जिन लोगों के हाँ बेटियां हैं बेटा नहीं, वो हजरात सिर्फ मर्द हजरात इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बेटा होगा। तो व शाफ़ी मरवारीद नासुफ्ता एक माशा अफ्यून खालस दो माशा छिलका इस बगोल दो माशा चीनी सफ़ेद 50 माशा, यानी सुच्चे मोती भी जिसे कहते हैं, मरवारीद न सुख्ता या सुच्चे मोती असल एक माशा, एक ग्राम ले लें अफ्यून, एक ग्राम छिलका इसबगोल, एक ग्राम चीनी 50 ग्राम। पहले 3-4 रोज़ चीनी अफ्यून और छिलका को मिलाकर खूब खरल करें, खरल मजबूत हो, ना घिसने वाला हो। ये डेली आप 8 घंटे रोज़ाना खरल करते रहें। 4 रोज़ के बाद आप इसमें चीनी भी मिला लें और खरल करते रहें। 8 रोज़ के बाद ये तैयार होगा। इसकी पहचान ये है कि आप चुटकी ये इसमें से एक दवाई की चुटकी लेकर दीवार पर मारें। जैसे ही आप दीवार पर ये चुटकी मारेंगे, दवाई दीवार के साथ चिमट जाएगी। जितनी भी दीवार साफ शफाफ होगी, ये दवाई दीवार के साथ चिमट जाएगी। जब दवाई चिमट गई तो दवाई आपकी तैयार हो गई। मैंने बताया है बेटियां ही बेटियां औलाद नरीना के लिए। इसमें वज़न दोबारा सुन लें, मरवारीद ना सुफ्ता 1 ग्राम, अफ्यून खालस 2 ग्राम, छिलका इसबगोल 2 ग्राम। ये वज़न फिर सुन लें, 1 ग्राम, दूसरी दोनों चीज़ें सच्चे मोती 1 ग्राम, अफ्यून और छिलका 2-2 ग्राम। और सच्चे मोती के पहचान ये है, पंसारी से लेंगे जब, इसको नींबू के पानी में 5-10 मिनट रख दें, ये हल हो जाएगा या नरम हो जाएगा। अब नरम हो जाए तो ये आपको असल मिल गया,
मरवा रही न सुफ्ता असल लेना है। असल मिल गया तो आगे आपका काम हो गया, असल ही ना मिला तो काम नहीं होगा। बराए मेहरबानी असल लेना है। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा फिर दुनिया व नमाज की पाबंदी कराएं, अल्लाह आपको जज़ा देगा। अहसनल जज़ा फिर दुनिया व आखिरत।